जैसे कि अभी समझो मैं हूं या कोई भी हो, या औरत जात हो या जात हो, माँ बीमार हो या बाप बीमार है, अगर माँ बाप की इच्छा होती है कि ना भाई मैं मेरे बेटे के पास ही रहूंगा, या माँ बोलेंगे ना मैं मेरी बेटी के पास ही रहूंगी, बीमार हो गई तो संभालती है या संभालता है, तो चलो ठीक है, बेटे लोग सब कुछ है, वक्त रहते चलो ठीक है, संभालने वाला कोई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके हालात में सब बच्चे लोग आते जाते, मिलते जुलते हैं, सब कुछ होता है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज की ये नहीं, कुर्बानी के दिन बुलाया जाता है, सब चीज में बुलाया जाता है, जाते आते सब जी कुछ है, मिलते मिलते सब कुछ है। मगर जब उसके हालात जब ऐसी आती है कि उसकी यादगार जब कम होते जाती है, और उसी को पालने वाला उसका बेटा हो या बेटी हो, अगर वो बगैर किसी भाइयों को बहनों को बगैर बुलाए उसकी वसीयत नामा रजिस्टर में जाके बना के लाए, और उस वसीयत में अपने 5 हिस्सा ज्यादा रखे और किसी को भी पता ना हो, और जब इंतकाल हो जाए मैयत को बुलाए, मैयत दफनाए, सब कुछ हो जाए, कुरान खानी हो जाए, 40वां हो जाए, सब कुछ सबको बुलाते, सब कुछ सही बराबर करते, लेकिन 6 महीने के बाद वो पेपर हाथ में थमाते हैं कि देखो माँ ने मेरे को ये लिख के दी है या दिया है या, तो वो क्या जायज है, सही है या गलत है? बस यही एक मेरा सवाल है, बस इसका जवाब देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है अस्सलाम भाई जी, वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुख्तसर अंदाज में आपका वो सवाल ये है कि कोई एक बेटा अपने बाप से या माँ से वसीयत लिखवा लेता है और उनकी वफात के बाद उस वसीयत को सामने लाता है, तो ये कैसा है? देखिए, अगर माँ बाप अपने बच्चों में से किसी को भी वसीयत करते हैं, माल की वसीयत करते हैं, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो वारिस होते हैं और वारिस को कोई वसीयत नहीं कर सकता, और खास तौर से जब चुपके से करवा रहा है तब तो ये और भी खतरनाक चीज है। तो अव्वल तो वसीयत करना वारिस के लिए वैसे ही जायज नहीं है, और चुपके से चोरी से करवा रहा है जायदाद को हड़पने के लिए, तब तो इसकी कबाहत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा ये जायज नहीं है कि कोई बच्चा अपने वालिदैन से अपने लिए वसीयत करवा ले, इस वसीयत का कोई एतबार नहीं है। वालिदैन की वफात के बाद उनका जो भी माल है वो तरके की शक्ल में इन लोगों के दरमियान जिसका जो हिस्सा है उसके एतबार से तकसीम होगा।